हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरबी की सूखी मसालेदार चटपटी सब्जी, जिसको आप पूरी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। टिफिन में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो अरबी ली है, जिसको छील कर धोकर उसका पानी एकदम सुखा लिया है और इस तरीके से पतले पतले लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हम 4 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल डालेंगे। आप इसको सरसों के ऑयल में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑयल अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई के दाने, ये सभी डाल के अच्छे से इसको चटकने दें। उसके बाद 10-12 पीस कड़ी पत्ते के और 1 पिंच हींग डाल के भून लें अच्छे से। उसके बाद जो हमने अरबी काटी है उसको इसमें ऐड कर दें। और इसको हमें करीब 10 मिनट तक एकदम हाई फ्लेम में भूनना है, जिससे कि जो अरबी है हमारी थोड़ी फ्राई हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। इसलिए इसको हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम में भूनेंगे, उसके बाद फ्लेम कम करेंगे। तो इसको चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अरबी को भूनते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि अरबी की सब्जी में खटास अच्छी लगती है तो हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अरबी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम 10 मिनट कवर करके पकाएंगे। एक बार कवर खोल के सब्जी चेक कर लेते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और अरबी को चेक करते हैं। तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं गली है। एक बार हम फिर से इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, कवर खोल के देखेंगे तो अरबी अच्छे से बन चुकी है। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे चीरों में कट करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर देंगे और जो मिर्च जो हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की है उसको हाई फ्लेम में भून लेंगे। और साथ ही में जो सब्जी में थोड़ा मॉइस्चर आ गया है कवर करने से वो भी सूख जाएगा, उसमें पानी जो होगा वो एकदम ड्राई हो जाएगी सब्जी। तो इसको हाई फ्लेम में हम 1 मिनट तक भून लेंगे। और ये देखिए हमारी मसालेदार अरबी की सब्जी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा हमने कितनी झटपट अरबी की सब्जी तैयार कर ली, जो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ये एकदम फ्री है। लाइक करने में आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर आप किसी को बेवजह खुशी देना चाहते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।